आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना में सीएजी को बड़े घपले मिले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना पीएम बीमा योजना और पीएम जन औषधि योजना में एक ही मोबाइल नंबर से काफी लोगों के नाम रजिस्टर्ड हैं। इसमें बहुत सारे लाभार्थी फर्जी मोबाइल नंबरों से रिटायर्ड हैं। सरकार की आयुष्मान स्कीम से संबंधित कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने एक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि सिर्फ यही नहीं, आयुष्मान भारत योजना में भी बहुत सारे घपले हुए हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में ये कहा गया कि 9.85 लाख लाभार्थी सिर्फ 3 मोबाइल से ही रजिस्टर्ड हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। प्रधानमंत्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। सीएजी की रिपोर्ट में गड़बड़ी की खबरें सामने आई हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय संसद में यह कहता है कि वह फ्रॉड और संदिग्ध ट्रांजेक्शन का ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है। सीएजी ने आयुष्मान भारत की एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की एक रिपोर्ट जारी की है। यह योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकारी फंडेड स्कीम है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की इस स्कीम में करीब 24 करोड़ लाभार्थी होने का दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया इसमें अवैध लाभार्थी और इस तरह से कम 6 राज्यों में योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। करोड़ों रुपए का इन अवैध लाभार्थियों पर खर्चा किया जा रहा है। देश में इस तरह के सबसे अधिक अयोग्य लाभार्थियों में सबसे ज्यादा व्यय तमिलनाडु में 22.4 करोड़ रुपए का व्यय हो रहा है। कर्नाटका में 4.65 करोड़, महाराष्ट्र में 1.47 करोड़ इन पर खर्च किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में इस तरीके की गड़बड़ियां सामने आने के बाद विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी ने इस घोटाले को बीजेपी द्वारा प्रायोजित बताया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पीएम मोदी के द्वारा लागू की गई ऐसी योजनाओं की क्रियान्वयन केवल कागजों में किया गया है, जन सरोकार वो जन कल्याण के लिए इन योजनाओं का कोई आधार नहीं है। इसी के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए सूचित किया कि आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी करने वाले अस्पतालों में मुख्यमंत्री सुरक्षा अनुदान की राशि नहीं दी जाएगी। प्रदेश भर में ऐसे 27 अस्पतालों में अनियमितता मिली है, जो इस तरीके की स्वास्थ्य गतिविधियों में संलिप्त पाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ और सख्त लहजे में कहा, इस योजना में जो भी गड़बड़ी करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों को जेल भेजने में भी परहेज ना किया जाए। आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा को लेकर सीएम शिवराज के सख्त तेवर नजर आए। शिवराज सिंह ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने फर्जीवाड़ा करने वालों को जेल भेजने के लिए अधिकारियों के निर्देश भी दे दिए। प्रदेश भर के 27 अस्पतालों में अनियमितताओं के पाए जाने पर उनको दिए जाने वाले स्वास्थ्य अनुदान वो लाइसेंस को कैंसिल करने की भी कार्रवाई की गई है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही लाइक और कमेंट करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए सौगंध। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।